In this lecture, we will discuss about the John Taylor distortion. Again, it is the part 4, where we will discuss about the static and dynamic distortion and its applications of John Taylor distortion. तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे John Taylor distortion के बारे में और उसमें हम पढ़ेंगे कि static और dynamic distortion क्या है and what are the applications of John Taylor distortion. Distortion का मतलब क्या है? Permanent and strong distortion है. Static distortion is a permanent and strong distortion. और यहाँ पर क्या होगा, द मॉलिक्यूल शो टेट्रागनल शेप. ये जनरली क्या शो करता है? टेट्रागनल शेप शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, अंडर लो एंड हाई टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो तो ये टेट्रागनल शेप ही शो करता है. और इन सॉलिड और सॉल्यूशन, कोई भी स्टेट हो, सेम टाइप का डिस्टॉर्शन होगा. स्प्लिटिंग बिटवीन T2G एंड EG इज वेरी हाई. एक्चुअली जो स्प्लिटिंग की एनर्जी है T2G और EG के बीच की, वो बहुत हाई होती है. फॉर एग्जाम्पल CuF2. तो जैसे CuF2 के केस में क्या होता है, कोई भी कंडीशन हो, हमेशा ये एक डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल होगा. और उस डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल में क्या होगा, हमेशा ये टेट्रागनल शेप का दिखाई देगा. ओके, और आप ये देख रहे होंगे कि हमेशा क्या होगा, CU जो F जो Z डायरेक्शन में जो F है वो हमेशा इलोंगेटेड होंगे. तो इस तरीके का जो डिस्टॉर्शन है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टैटिक डिस्टॉर्शन, डायनेमिक डिस्टॉर्शन. ये दूसरे तरीके का डिस्टॉर्शन है जहां पर आप देखेंगे कि एनर्जी गैप बिटवीन जेट इन एंड जेट आउट इज वेरी लो. एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है कॉपर का नाइट्रो कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप जेड एक्सेस में प्रेजेंट है वो इलोंगेटेड है, और यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है वो इलोंगेटेड नहीं है, वो कंप्रेस्ड है. तो ये जो कंप्रेस्ड है जेड इन और ये जो जेड आउट है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है. सो बोथ डिस्टॉर्टेड जेड इन एंड जेड आउट एंड रेगुलेटेड ऑक्टाहेड्रा आर इन इक्विलिब्रियम. ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं. और मॉलिक्यूल क्या शेप शो करेगा, इट विल शो ऑक्टाहेड्रल शेप, क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम, एक डायनेमिक्स है, वो चलते रह रहे, एक वो क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है. सो दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक डिस्टॉर्शन एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल रिमेन ऑक्टाहेड्रल. एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो T2G और EG के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है, इसलिए डायनेमिक्स डिस्टॉर्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होगा जेड इन जेड आउट एंड रेगुलर ऑक्टाहेड्रल के बीच में. डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ John Taylor distortion. तो अब हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे John Taylor distortion की. तो पहले जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इट सजेस्ट the stability of copper second complexes. तो यहाँ पर अगर हम डाई पॉजिटिव आयन्स को देखें, तो देखिए बेरियम से जब हम निकल तक जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस अप टू कॉपर, बट आफ्टर कॉपर द स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. तो यहाँ पर ये जो सीरीज है डाई पॉजिटिव मेटल आयन्स की, इसको कहते हैं इरविंग विलियम सीरीज. तो ये जो इरविंग विलियम सीरीज है, इस सीरीज में आप देखेंगे कॉपर का जो स्टेबिलिटी है सेकंड आयन के कॉम्प्लेक्सेस की, वो बहुत हाई है. क्यों है? ड्यू टू John Taylor distortion. क्यों है? क्योंकि John Taylor distortion में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन है dx स्क्वायर y स्क्वायर में एंड वन इलेक्ट्रॉन इज इन dz स्क्वायर. तो ये जो dx स्क्वायर y स्क्वायर में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसकी डीजेनरेसी होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट है. तो ये डीजेनरेसी को क्या करेगा,
कम। डीजेनरेसी को कम कैसे करेगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाए और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी में चला जाए, तो ये क्या करेगा, ये दोनों की डीजेनरेसी को खत्म कर देगा, जिससे कि पेयर वाला इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी में चला जाए और सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर एनर्जी में चला जाए और ये जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इथाइलिन डाइअमीन। ओके, तो इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड के साथ ये जो कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाता है, अगर आप इनकी अनस्टेबिलिटी देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, ये लेस स्टेबल है और ये स्टेबल है, जबकि ये क्या है, कीलेट है, इसको स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, आपने देखा कॉपर के केस में क्या होता है, ये जो जेट डायरेक्शन के जो लिगेंड है ये इलोंगेट, ये दूर चले जाते हैं, जेट आउट। तो अगर ये एन दूर चला गया तो ये क्या करेगा, इस रिंग में क्या करेगा, स्ट्रेन ले आएगा, इथाइलिन डायमीन में स्ट्रेन आएगा और उस स्ट्रेन की वजह से इट बिकम अनस्टेबल। अब आप अगर ये दो कॉम्प्लेक्स देखें जहां पर दो जो एक्वा लिगेंड जुड़े हुए हैं, अगर वो सिस पोजीशन पर हैं, तो सिस पोजीशन पर होने से अगेन आप देखेंगे इसमें डिस्टॉर्शन तो होगा क्योंकि ये Cu2+ है, तो इस डिस्टॉर्शन की वजह से आप देखिए ये जो बॉन्ड है ये क्या होंगे, इलोंगेट होंगे, इलोंगेट होने से क्या होगा, अगेन आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेन आ जाएगा और स्ट्रेन की वजह से इट विल बिकम अनस्टेबल, बट इट इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहां पर भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन यहां क्या है, H2O, तो H2O कोई स्ट्रेन नहीं जनरेट करेगा, इसलिए ये वाला जो कंपाउंड है ये स्टेबल होगा, इलोंगेशन आसानी से हो जाएगा, देन इट इज लेस स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। एप्लीकेशन ऑफ द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज दैट एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस स्प्लिट्स ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब आप देखेंगे अगर हम इसका स्पेक्ट्रा देखें, अगर ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, तो आप ये देखेंगे केवल एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, तो वी विल गेट ओनली वन पीक। लेकिन अगर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो आप देख रहे हैं ये जो ईजी T2G सेट है ये ईजी और B2G में स्प्लिट होता है और जो ईजी है वो A1G और B1G में स्प्लिट होता है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वो B2G से देखिए या तो A1G में ट्रांसफर हो रहे हैं या B1G में। सो दो पॉसिबिलिटी हो गई, तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके के स्पेक्ट्रा में आपको ऐसे दो पीक्स से दिखाई देंगे, इट मीन्स देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जबकि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि आप देखेंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे जिसमें एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होना चाहिए था क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म डी है, बट ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये जो स्प्लिटिंग हो गई, ईजी की स्प्लिटिंग हुई और T2G की स्प्लिटिंग, इस स्प्लिटिंग की वजह से दो ट्रांजिशन पॉसिबल हो गए, इसलिए ये पीक क्या हो गई, दो पीक सी आपको दिखाई देगी। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स इसके AU के होते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स, वाई दे आर अनस्टेबल, तो इनकी इनस्टेबिलिटी के बारे में हम बता सकते हैं क्योंकि Au2+ तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, Au1 और Au3 में। सो Au3 कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल एंड Au1 कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल बट Au2 आर नॉट स्टेबल। तो क्यों Au2 कॉम्प्लेक्सेस अनस्टेबल हैं जबकि Au1 स्टेबल हैं एंड Au3 स्टेबल है। तो अगर आप Au1 को देखेंगे तो इट हैज D10 कॉन्फ़िगरेशन, ओके, सो दीज आर फुली फिल्ड, सो इट इज स्टेबल। स्टेबल जो Au1 है वो क्यों है, क्योंकि ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। बट इन केस ऑफ Au3, अगर हम Au3 को देखें, अब हम डिफरेंस देखें कॉपर सिल्वर एंड
गोल्ड, अगर इनके 2+2+ आयंस हो तो आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कहां पर है, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में प्रेजेंट है इनके। ओके, सभी में क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, और सभी में कैसा होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इलोंगेशन होता है। तब आप देखेंगे कि यहां पर जो एनर्जी गैप है कॉपर के केस में ये कम है, जैसे जैसे हम 4D की ओर जाएंगे फिर 5D की ओर जाएंगे दिस गैप विल इंक्रीज। ये गैप आप देख सकते हैं इंक्रीज हो गया। इन Au2+ के केस में ये जो गैप है ये हाईएस्ट है, और ये इतना अधिक है कि ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि ये गैप बहुत अधिक है। तो इस वजह से जो Au2+ है वो अनस्टेबल स्पीसीज है और वो आसानी से Au1 या Au3 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आपने देख लिया, और इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या हो जाएगा, इट बिकम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है Au2+ ये बहुत एक्सट्रीम इसमें डिस्टॉर्शन होता है, जिससे कि जो डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, जो Au2+ है इट बिकम वेरी रिएक्टिव एंड इट विल कन्वर्ट इनटू D8 सिस्टम और D10 सिस्टम। और Au3+ क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए जहां पर ये डेल्टा की वैल्यू हाई होती है वो कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अटेन कर लेते हैं। विल कंक्लूड द वीडियो, अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। इस लेक्चर में हमने पढ़ा स्टैटिक और डायनेमिक डिस्टॉर्शन क्या है। स्टैटिक डिस्टॉर्शन क्या है, जब दो जो स्ट्रक्चर है अगर वो किसी भी टेम्परेचर पे स्टेबल हो, किसी भी फिजिकल स्टेट में स्टेबल है, दैट मीन्स स्टैटिक डिस्टॉर्शन हुआ है। डिस्टॉर्शन के बाद अगर जो डिस्टॉर्टेड जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर उनके बीच में इक्विलिब्रियम है तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक डिस्टॉर्शन। देन हमने एप्लीकेशंस पढ़ी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की, जिसमें हमने पढ़ा कैसे कॉपर के कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं। कॉपर के कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं क्योंकि वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। ऐसे ही हमने कॉपर के इथाइलिन डायमीन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्यों इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो जहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो स्पेक्ट्रा डबल पीक से हमें दिखाई देते हैं। फिर हमने पढ़ा अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ Au1 एंड Au3+ कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अबाउट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, थैंक यू वेरी मच।